हमने ये कुछ ढूंढ लिया, बिल्कुल सेम। पर इसमें एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि ये इसका बोर में बाहर वाला साइड सही है, लेकिन बोर इसका थोड़ा सा तंग है। ये देखिए इसमें नहीं जा रहा। और ये एक और बुश है, बाहर वाला साइड थोड़ा सा छोटी है, लेकिन इसका जो अंदर वाला बोर है, अंदर वाला शायद है शाफ्ट का, वो बिल्कुल फिक्स है। ये जो हमारा बुश उस जगह पे फिट हो सकता है, लिहाजा हम उसी इसकी जगह पे, इस बुश की जगह पे हम ये वाला बुश फिट करेंगे, ये छोटे वाला। हमने लगाया, तो ये नमदा लगाएंगे। नमदा इसलिए होता है कि इसमें आयल वगैरह लगा रहा है, इसमें आयल लगा लेना। नया मोबाइल लगाना है आपने, और इसे देखें, ये देखें इसमें लॉक होते हैं, इसके लॉक को हमने बैठा देना है। मैंने ब्रश की फिटिंग कर ली है, अब इसे लॉक को दबा देंगे। मेरे नज़दीक तो यही इसका फॉल्ट था, मज़ीद इसे हमने इसे लगा के चेक कर लेना है जब मोबाइल लगाएंगे। हमारा पीछे वाला बुश है, उसे भी हमने मोबाइल लगा लेना है। और हमने ये कवर आपस में लगा के चेक कर लेने हैं कि लिहाजा वो अपनी जगह पे हैं क्या। उसमें थोड़ी सी वाशर डालनी पड़ेगी, अभी इसे चेक कर लेते हैं। अगर प्ले है तो उसमें वाशर वगैरह डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। ये इसमें अभी प्ले है, इसके आगे वाली साइड में हमने फाइबर की वाशरें डाल दी। हमने इसकी आगे वाली साइड पे फाइबर की वाशरें डालनी है कि जो इसका प्ले है वो निकल जाएगा। और हमारा देखा, हमने दो फाइबर की वाशरें ली और इसे लगा के चेक करेंगे, आया दो की ज़रूरत है या एक वाशर की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में एक की ज़रूरत है। मोटी की ज़रूरत है, मोटी लगा देते हैं। ये देखें वो जो प्ले था वो ख़त्म हो गई इसमें। हमने एक फाइबर की वाशर लगाई और इसे चेक कर लिया है। हमारा जो है ये स्केटर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसमें जो कार्बन वगैरह ना आ जाए, कचरा वगैरह से साफ अच्छी तरह कर लें। अच्छा बेटा एक मिनट, थोड़ा सा काम करते थे, एक मिनट सिर्फ, जरा एक वीडियो बना रहे हैं, जरा एक मिनट आवाम दसन वास्ते के कितना करी था काम, ठीक है ना। एक मिनट हसन निकल लगी, चुप करके ना गलोता रहा फोन पर। चुप चुप बेटा, लड़ना नहीं है, लड़ना मना होता है। कौन लड़ते हैं भला, ये आ लड़दा नहीं, नहीं लड़ना काम कीदा बा, भला लड़ना नहीं है, लड़ना मना है।
ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੜਨਾ ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੜਨਾ ਮੰਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਮੰਨਾ ਉਹ ਜਾ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ मोटर सही कर रहे हैं और इसकी वीडियो बना रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह सही हो रही है। ये देखें हमने फिटिंग अच्छी तरह दिखा रहे हैं दोस्तों को पता चले किस तरह हमने फिट की है और किस तरह इसका फॉल्ट निकाला है। हमने जो काम भी किया आपके सामने किया है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने खुफिया रखी है हर चीज़ आपको बताई है और हमें भी नहीं पता ये चलनी है कि नहीं चलनी ये क्योंकि हमने अभी इसे फिट करके हमें इसे चला के देते हैं। बोल क्यों रहे हो ये देखिए शाह साहब कितने आराम से काम कर रहे हैं जी ये हम इंशाल्लाह ताला आपको दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना चली ना चली तो भी आपको दिखाएंगे चली तो भी आपको दिखाएंगे ये जो काम हो रहा है आपके सामने हो रहा है इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये मशीन अल्लाह के हुक्म से चलेगी और इसको कार्बन डालते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शाह साहब नहीं सर नहीं एक्सपेरिमेंट तो होता है कि चीज बननी है कि नहीं बननी इंशाल्लाह ताला बनाकर फॉल्ट निकाल के बताएंगे आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला ये देखें मोटर चल रही है अल्लाह के हुक्म से चलेगी इसे पुली भी लगा देते हैं क्योंकि जब चलेगी तो आपको पता चलेगा ये देखो अब समीर भाई इसे ध्यान से अच्छे से कैमरा पकड़ो और नज़दीक से दिखाओ ये मैं साफ पहले करूँ चेक कर लूँ शॉट वगैरह चेक कर लूँ ये हम शॉट चेक करने लगे हैं पहले सबसे पहले शॉट चेक करनी होती चीज़ की शॉट तो नहीं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम समीर भाई नज़दीक से चेक करो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जो हमारे जोन में फॉल्ट था वही फॉल्ट था हमारी मोटर बिल्कुल नज़र आ रही चल रहे बे आवाज़ होगी और चलने में देखें ये हमारी सिलाई मशीन की जो मोटर है YDK कंपनी की ये मोटर है इसका जो प्रॉब्लम था ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटर YDK की मोटर में इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था इसमें जो सामने वाला जो बुश है उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि इसका जो बुश है वो ख़राब हो गया था ये देखें और इसका जो हमने बुश बिल्कुल इसमें न्यू डाला है और आपके सामने डाला है इसमें जो पहले हमने सबसे पहले फॉल्ट रेसा है और बाद में आपको बताया है कि इसमें ये फॉल्ट है और हम इसका फॉल्ट निकालेंगे और दिखाएंगे किस तरह निकाला जाता है इसका फॉल्ट ये हमारी अब मोटर बिल्कुल तैयार है ये आप सिलाई मशीन पर लगाएँ और इसे चलाएँ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो
प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी जो वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप उसे देख सकोगे। हम इंशाल्लाह ताला जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बिल्कुल राइट और सही इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हम ये शॉप पे काम करते हैं और उसी की वीडियो बनाते हैं और उसी की वीडियो अपलोड करते हैं कि आपको हमारी जो भी आपके जो मसाइल हैं घर में उसे आपको पता चले। अगर हमारा काम पसंद आया हो तो हमें ज़रूर लाइक करें और हमें अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।